हेलो गाइस, अभी हम यहाँ पे आए थे राजा बासा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि हम लोग का देहात गांव में जो कपड़ा का घर होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कपड़ा जो है ना, आप लोग सभी को ही जानते हैं कि तो ये तो कपड़ा, लेकिन ऐसे ये बनता कैसे है इसको आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भाई लोग किस तरह से बना रहे हैं, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना कैसे प्रोसेस हो रहा है, अब देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 भाई है, और देखिए ना यहाँ पे किस तरह से इसको मतलब तैयार किया गया है। उसके बाद पहले ये मिट्टी को वहाँ से खोद के लाए हैं, उसके बाद इसको साने, उसको मिलाएं, उसके बाद इसको यहाँ पे रखे हैं, उसके बाद इसको इस तरह से बनाया जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये भाई बना रहे हैं और उधर तैयार कर दिए। अब देखिए ये बना रहे किस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस कैसे होता है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, मेरा घर यहीं सिमडेगा, और देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से मेहनत लगता है। यहाँ पे देखिए ये तैयार हो गया, और इधर तैयार होने के बाद जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लकड़ी को सांचा बनाया गया है, और देख सकते हैं इस तरह से इसको मोड़ा जाता है। उसके बाद इसको यहाँ पे इसको कटिंग किया जाएगा, जो कि कटिंग करने के लिए एक पतला सा तार लकड़ी में उसको रखा गया है, और यहाँ ये बन के उसके बाद यहाँ पे इसको रखा जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसको जो है उधर साइड में है, आपको हम दिखाएंगे, सुखाया जाता है। उसके बाद इसको बाद में लकड़ी के द्वारा इसको भाठा में मतलब आग जला करके इसको पकाया जाता है, और आप देख सकते हैं। और भाई सबसे हम पूछते हैं कि प्रोसेस किससे किससे होता है। भाई तनिसन कैसन कैसन बताओ नी, कैसन कैसन के लागेला मिट्टी, मतलब नॉर्मल मिट्टी में भी हो जाए? नगड़ा मिट्टी, लाल मिट्टी। अच्छा, ये भाई बता रहे हैं नगड़ा मिट्टी, लाल मिट्टी। अगर नॉर्मल मिट्टी में नहीं बनी, मतलब इकर ला लाल मिट्टी और नगड़ा मिट्टी चाहिए ने। अरे जो तोहरे मतलब इकर में सालन जो दे था, ये बालू है कि ने, पतला बालू, मतलब इकर से लिन गढ़ा। अच्छा, ये जमीन वाला बालू इस तरह से इसको लिया गया है। और शुरू में के कोविड के कई दिन के फुलैक पड़ेल बाबा, नहीं जो शुरू में माटी के कोड़ल तोहरे तो के पानी से फिर कई दिन सुखा फुलैक पड़ेल, एक दिन पूरा रात, और उकर बाद उके सुबह उके फिर मिलाल जाल ने। अच्छा, खुंदेक पड़ेल ने, खुंदेक पड़ेल उकर बाद मारेक पड़ेल। और देख सकते हैं बाबा यहाँ पे बता रहे हैं एक दिन पूरा जो है ना, मतलब मिट्टी को लाल मिट्टी या तो नगड़ा मिट्टी होता है उसको फुलाया जाता है, और उसके बाद उसको जो है ना रात भर उसको रखा जाता है। उसके बाद सुबह उसको पैर से खूंदा जाता है। उसके बाद अगर लकड़ी है तो उससे भी मारा जाता है, और ये जो है ना इस तरह से तैयार। क्या चीज़ में? अच्छा, सावल में मतलब उल्टाते हैं। अच्छा, सब्बल में मतलब उसको उल्टाया जाता है, और उसके बाद जो है यहाँ पे लाया जाता है। उसके बाद इस तरह से मिट्टी रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये मिट्टी जो है ना, अभी आप देख सकते हैं ये भाई इसको किस तरह से तैयार कर रहे हैं, और इसको यहाँ पे ये मिलाएंगे। उस देख लीजिए यहाँ पे आपको हम दिखा दे रहे हैं पूरा किस तरह से इसको प्रोसेस कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे। इतना होने के बाद जो है ना, और आज सही में आज भले ही हम लोग का
ढलाई घर हो या तो बिल्डिंग हो, जो भी हो, ईंट का घर बन गया हो, लेकिन ये जो है ना, हम लोग का जो परंपरा, जो पुरखा पाठ, जिसे कोई नहीं छीन सकता है। आज अगर हमारे पास कितनों भी ढलाई घर है, अगर आप गर्मी के दिन में सो जाइएगा ना तो आपको पसीना छूटने लगेगा, लेकिन खपड़ा का घर में अगर आप सो जाइएगा, सही बता दे रहे हैं, ऐसी फेल खा जाता है, इतना आनंद आपको लगेगा, बहुत सुंदर लगता है। और हमको बहुत पसंद आता है मिट्टी का घर, खपड़ा का घर। और लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अभी करने वाला आदमी नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, आप देख सकते हैं। और अभी का समय में अभी आप सब समझ सकते हैं कि इतना मेहनत नहीं करना चाहता है कोई भी, सबको आराम चाहिए। और पैसा फेंको तमाशा देखो वाला सिस्टम हो जाता है। और है अभी भी हमारे गांव देहात में हमारे भाई सब अभी भी हमारे परंपरा को जिंदा रखे हैं, और होना चाहिए, अपना हाथ से जो है मेहनत करके करना चाहिए। अगर ये खपड़ा को अगर इसको पका करके अगर मान लीजिए बेचने से भी एक पीस कर कितना दाम पड़ जाए भाई, 5 रुपया ने, ये भाई बता रहे हैं। अगर इसको गांव देहात में ये चलता बिकता भी है, अगर इसको समय बर समय अगर इसको खोजने जाइएगा ना तो ये मिलेगा भी नहीं, लेकिन इसको अगर आप तैयार करके अगर आप बेच रहे हैं ना तो पर पीस का 5 रुपया पड़ेगा, समझ सकते हैं। मेहनत भी है और अच्छा चीज़ है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत है। पहले तो हम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये लोग गड्ढा कोड़ के मतलब कहीं से मिट्टी लाए थे और यहाँ पे रखे थे, इसको यहाँ फुलाए थे, और कुछ मिट्टी इधर है जो कि इसको फुलाए, और उसके बाद वो जो बनने के बाद जो है बनने के बाद इस तरह से इसको रखा जाता है, इसको इस तरह से सुखाया जाता है। और ये जब सूख जाता है तो सूखने के बाद ये मतलब ये क्या बोलते हैं, ये फाइनल ये तैयार नहीं है, फाइनल तैयार ये यहाँ के बाद अब यहाँ आता है, यहाँ के बाद यहाँ आता है। देख लीजिए यहाँ पे लकड़ी जो है ना, यहाँ पे लकड़ी को मतलब रखा जाता है, उसके बाद इसको पकाया जाता है। और आप देख लीजिए ये फाइनली ये तैयार हो गया है, और ये तैयार हो गया है, देख लीजिए यहाँ पे सब रखा हुआ है। अब ये जो है ना अपना छान के ऊपर देने के लिए लायक हो गया है, ये बन गया है। ये भाई अभी देख सकते हैं ये भाई मिट्टी को किस तरह से निकाल रहे हैं। अभी यहाँ पे एक तागा है, एक रस्सी है, समझे ना, उसको निकालने का तरीका, ये रस्सी से जो है ना दोनों तरफ डंडा बांधा गया है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे काटे हैं ये भाई, यहाँ पे इसको कटिंग किए ताकि ये अलग से निकले। उसके बाद देख सकते हैं वहाँ पर ले जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से इसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद इधर इसको लाया जाता है, उसके बाद इधर तैयार किया जाता है, उसके बाद भाई उधर बनाने के लिए बैठे हैं, और इस तरह से बनता है। सो गाइस, बहुत ही मेहनत है और अच्छा है, ये हमारा पुराना परंपरा है। आज हम भले ही अपने मतलब भीड़ में या तो पैसे के कारण आज हम बड़ा बड़ा महल या तो बिल्डिंग बना रहे हैं, और ये जो पुराना परंपरा को भूल जा रहे हैं अलग की बात है, लेकिन इससे ज़िंदा रखना चाहिए, ये अच्छा है। आज अगर हम और कहीं पे भी अगर बड़ा बड़ा शहर में जाएं तो ऐसे घर देखने को नहीं मिलता है, और अच्छा है। मिट्टी का अगर गर्मी के दिन में अगर आप मिट्टी का घर में अगर आप सो जाइएगा ना तो ऐसी फैल खा जाएगा, मतलब बहुत ही ठंडा और बहुत अच्छा लगता है। सो आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे राजा बासा में हैं, और यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आंटी है, भैया है, उसके बाद यहाँ पे इधर भाई सब है, और ये देख सकते हैं ये मेरा गाड़ी खड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, बने रहिए, मिलते हैं आगे।